एपिसोड 180, एक अनोखा ख्वाब। अनन्या बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो आरव को गुस्से में देखे। उसे तो बार बार यही डर लग रहा था कि उसके सपने के बारे में आरव को कैसे पता चला। अगर आरव ने रमेश का नाम ले लिया तब तो अनन्या के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसी बात की चिंता अनन्या को सता रही थी। तभी आरव उसके नजदीक जाकर उसे बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सपने में तुम्हारा शहजादा कौन है, वो समर है ना। समर का नाम सुनते ही अनन्या की घबराहट थोड़ी कम हो जाती है, पर उसे अब नई चिंता सताने लगी कि कहीं आरव समर पर गुस्सा ना करने लगे। अनन्या अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो आरव को क्या जवाब दे। वो घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पहले मैं कॉलेज में पढ़ती थी, इतना टाइम ही नहीं रहता था मेरे पास कि मैं सपना देख सकूं, और भला इतनी छोटी उम्र में ऐसे ख्वाब कैसे आएंगे। आरव ने अनन्या का हाथ पकड़ा और गुस्से में कहा, तुम सच क्यों नहीं बता रही हो। अनन्या आरव को समझाते हुए बोली, आरव तुम फिर से वही चीज करने लगे। ठीक है मैं मानती हूँ कि मैंने अपनी शादी का सपना देखा, भला किसने नहीं देखा है। तुमने भी तो कभी ना कभी अपनी शादी के बारे में सोचा होगा ना। फर्क इतना है कि मैंने सिर्फ इतना ही देखा कि मैंने एक बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी है और मैं एक लाल कलर के कारपेट पर चलती जा रही हूँ, और मुझे एक बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी फीलिंग का एहसास हो रहा है। आरव फिर तेज आवाज में कहता है, तुम सब बता रही हो लेकिन असल बात नहीं बता रही, वो शहजादा समर ही है ना। समर का बार बार नाम सुनने के बाद अनन्या भी परेशान हो जाती। वो परेशान होकर अपना सिर हिलाकर कहती, हाँ एक वक्त तक मैंने उसके बारे में ही सोचा था, वो इसलिए क्योंकि उस वक्त मेरी जिंदगी में और कोई लड़का भी तो नहीं था, बस शादी का ख्वाब पूरा करने के लिए मैं उसके बारे में सोचती रहती थी। ये सुनते ही मानो आरव के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उसकी बीवी की जिंदगी में पहले कोई मर्द था। उसे तुरंत अनन्या को अपनी ओर खींचा और उसको बड़े ही जोश के साथ किस किया। आरव अनन्या को यह एहसास दिलाना चाहता था कि अब वो उसकी जिंदगी में है और उसे कभी भी समर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आरव काफी जोश के साथ अनन्या को किस कर रहा था। जब उसने देखा कि अनन्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब जाकर उसने उसे छोड़ दिया। वो अनन्या को देखते हुए कहता, अब तो जल्द से जल्द दोबारा शादी करनी ही पड़ेगी, तुम्हारे दिमाग से सारे फालतू के ख्याल जो हटाने। अनन्या आरव की ऐसी हरकतों से परेशान हो गई थी। वो उसे तेज आवाज में पूछती, मुझे एक बात बताओ कि तुमने कभी किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा। आरव बड़ी बेशर्मी से अपना मुंह बनाकर कहता, बिल्कुल सोचा, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, लड़के अक्सर अपनी जवानी में बस यही सब सोचते हैं। ये बोलते ही आरव हंस रहा था। अनन्या आरव से तर्क करती है, फिर तो ये बहुत नाइंसाफी है, तुम ये सब सोचो तो ठीक लेकिन मैं सोचू तो गलत, ऐसा क्यों। आरव अपने घमंड में उससे कहता है, जब तुम सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाओगी ना तब तुम्हें सही गलत का अच्छे से अंदाजा होगा। अनन्या मस्ती के मूड में उससे कहती है, एक काम करते, मैं दूसरे शहर में एक नई कंपनी खोल लेती, मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल पागलों की तरह काम करके उसको बिल्कुल टॉप पर पहुंचा देती हूँ, फिर देखूंगी कि मैंने कितना इंसाफ किया और कितनी नाइंसाफी, ठीक है। आरव उसकी बात को टालते हुए तेज आवाज में कहता है, ऐसी बकवास मत करो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, ऐसी बातें तुम बार बार करती क्यों। अनन्या एकदम से डर गई और उसने आरव से प्यार से कहा, अच्छा ठीक है कभी ऐसी बातें नहीं करूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। ये सुनते ही आरव वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। उन दोनों ने काफी देर बात कर ली थी। अनन्या को कुछ ही देर में काफी भूख लगने लगी। वो अपने बेड से उठकर आरव से कहती है, मैं नीचे खाने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम्हें कुछ खाने को चाहिए। आरव भी खड़ा हो जाता है और कहता, यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो साथ में कहीं डिनर करने चलते हैं। अनन्या के दिल में एक बेचैनी सी होने लगी। उसे इन सब पर काबू कर आरव से कहा, चलो चलते मुझे भी बहुत भूख लग रही है। आरव भी पलट कर बोलता है, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अनन्या एक पल के लिए सुनकर हैरान हो जाती। उसे इस बात का एहसास होता है कि आरव ने दोपहर से कुछ नहीं खाया। अनन्या मन ही मन सोचने लगी, क्या इसी को प्यार कहते, एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, एक पार्टनर अगर बीमार हो तो दूसरा पार्टनर भी अपना खाना पीना छोड़ दे। अनन्या के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। जाते वक्त आरव अनन्या को डॉक्टर से मिलवाता है। डॉक्टर उसे देखकर पूछता है, तुम लोग जा रहे हो। आरव डॉक्टर से पूछता है,
अनन्या जा सकती है ना? डॉक्टर आराम को तसल्ली देते हुए कहता, घबराओ मत, ये अब काफी ठीक है, पर अभी कुछ दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। याद रखना कि तुम्हें अभी दुखी नहीं होना है, दुखी होना तुम्हारे सेहत के लिए सही नहीं है, ऐसा बार बार चलता रहा तो तुम डिप्रेशन की मरीज बन जाओगी। अनन्या शर्म के मारे अपना सर नीचे झुका लेती है। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से आरंभ और डॉक्टर का समय बर्बाद हुआ है। आरंभ डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर अंकल आपको एक और बात बतानी थी, मैं और अनन्या बच्ची के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी दवा है जो अनन्या के शरीर को बच्ची के लिए तैयार कर दे? अनन्या आरंभ को घूरने लगती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आरंभ इस वक्त ये बात कहेगा। उसे इस वक्त आरंभ पर गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर को भी ये बात थोड़ी अटपटी सी लगी। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग तो अभी जवान हो, थोड़ा घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो, इससे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी बच्चा करने की इतनी क्या जल्दी है। आरव मुस्कुरा कर डॉक्टर को बताता है, अंकल अगर बात जरूरी नहीं होती तो मैं आपसे कभी पूछता भी नहीं, कुछ दिनों पहले मैंने अपने दादाजी को यह बात बता दी कि अनन्या प्रेग्नेंट है। मेरी दादू अब इस बात पर विश्वास करते हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि अनन्या अभी प्रेग्नेंट नहीं है तो उनका दिल टूट जाएगा। अगर उनका दिल टूट गया तो वो बहुत नाराज होंगे, और आप तो उनकी नाराजगी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अनन्या का गुस्सा और तेजी से भड़क रहा था। एक तो पहले ही आरम ने अपने दादाजी को झूठ बोलकर इतना बड़ा कांड कर दिया था, और अब आरम डॉक्टर को भी ये सारी बातें बता रहा है। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो जाते और वो कहते, आरम तुम कभी नहीं सुधरोगे, अपने दादाजी से इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो तुम? आरम उन्हें समझाता है, बात यह है कि मेरे दादाजी मेरी शादी में अड़चन पैदा कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं अनन्या को तलाक देकर मल्होत्रा परिवार की बेटी से शादी कर लूं। अंकल आपने मुझे बड़े होते हुए देखा, आप मेरी रग रग से वाकिफ हैं, मैं और तान्या एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर अंकल आरम की परेशानी को समझते थे, आरम उनको बिल्कुल अपने बेटे की तरह लगता था, इसलिए उसको तसल्ली देते हुए वो कहते, ठीक है आरम, मैं सोचकर तुम्हें बताता हूँ। वो आरम के कान प्यार से पकड़ कर कहते, तू पूरा अपने दादाजी पर गया है, उन्हीं की तरह शैतानियां और उन्हीं की तरह चालाकियां करना तू अच्छे से सीख गया, तूने ये बात बताकर अब मुझे भी अपने झूठ में शामिल कर लिया। सबसे पहले तेरे दादाजी मुझे ही फोन करके पूछेंगे कि अनन्या प्रेग्नेंट है या नहीं, तूने इसीलिए मुझे ये सब बताया ना, ताकि मैं तेरे दादाजी से झूठ बोल सकूं। आरम की शैतानी हंसी सामने आ जाती। उसे नहीं पता था कि उसके अंकल इतनी जल्दी उसकी साजिश समझ लेंगे। वह हंसते हुए कहता, ठीक है डॉक्टर अंकल, अब मैं चलता हूँ, आप तो बहुत समझदार हैं और मुझसे आप बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, मुझे यकीन है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। आरम जल्दी से अनन्या का हाथ पकड़ कर वहां से निकल जाता। डॉक्टर हंसते हुए कहते, बदमाश कहीं का, जैसा दादा वैसा ही उसका पोता। अनन्या ये सब सुनकर हैरान हो गई थी। बाहर जाते ही उसने आरम को रोका और पूछा, आरम ये सब क्या चल रहा है, ये सही नहीं है, ये तुम्हारे दादाजी सच में मुझसे इतनी नफरत करते हैं? आरम उसे समझाता है, इसलिए तो मैंने उनसे बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना वो तो मुझे वापस ही नहीं आने दे रहे थे। ये सुनने के बाद वो माने, वरना वो जबरदस्ती मेरी शादी तान्या से करवा देंगे। अनन्या परेशान होकर कहती है, लेकिन अभी तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो अब हम क्या करेंगे? आरम हंसते हुए बोलता है, What else? We have to keep trying. इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अनन्या देख रही थी कि आरम बच्चे के बारे में सोचते हुए काफी खुश हो रहा था। वो आरम से फिर सवाल करती, अगर इस महीने में प्रेग्नेंट नहीं हो पाई तो? अगर तुम्हारे दादाजी को पता चल गया तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, और अगर ऐसा हो गया तो हमें सचमुच तलाक लेना पड़ेगा। ये सब सोचकर अनन्या घबरा रही थी। आरम उसको अपने नजदीक खींचता है और अपनी धीमी आवाज में उससे पूछता है, तो इसका मतलब कि तुम अब मुझसे तलाक नहीं चाहती? अनन्या की जुबान से शब्द नहीं निकलते, वो बस लंबी लंबी सांसें भरती रहती। आरम अपना हाथ उसकी कमर पर डालता है और उसकी गर्दन को चूमने लगता है। अनन्या घबरा कर कहती, आरम ये तुम क्या कर रहे हो, हम लोग अभी बाहर हैं, घर तक जाने का तो इंतजार करो। आरम उसकी गर्दन के पास जाकर बोलता है, तुम्हें लोगों की बातों की कितनी परवाह है, तुम जानती हो कि मुझे इस दिन का कितना इंतजार था, जिस दिन तुम तलाक की बात भूल जाओगी और मेरे करीब आ जाओगी।
इस दिन के आने के लिए मैंने कई दिनों का इंतजार किया। आखिर तुम्हें भी समझ में आ ही गया कि तुम मेरे लिए ही बनी हो। तभी तो बिछड़ने के ख्याल से ही तुम्हारा दिल मचलने लगता है। अनन्या, अब हम दोनों एक दूसरे के हो गए। अब बस अपने मुंह से कह दो, तुम मुझसे कभी तलाक नहीं लोगी, क्योंकि तुम मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहती। ये बोलते ही आराम खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ पा लिया, पर अनन्या इन सब से खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि वो आराम की कठपुतली बनती जा रही है। वो नहीं चाहती थी कि वो अपना आराम के लिए सॉफ्ट स्पॉट सामने रखे, इसे वो आराम को धक्का देकर कहती है, इतना खुश मत हो, अगर मुझे जाना होगा तो मैं कभी भी जा सकती हूँ, मुझे किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है। आराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनन्या चाहती क्या है। उसने अपनी दर्द भरी आंखों से अनन्या से पूछा, बात का मतलब है कि तुम अभी भी मुझे छोड़ना चाहती हो, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। अनन्या के मन में एक अजीब सी दुविधा चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे।